खाने में टेस्ट और न पेट में कोई गड़बड़ होती है। ये मदद हुई या दिहाड़ी में लगते हैं? दिहाड़ी में। दिहाड़ी का हुआ ना? हाँ। कितना होता दिन का वैसे? तुम्हारा मुर्गा और मटन सब फिर भाई जी के घर पे बन रहा है शिशुन की सब्जी। चलेगा इस नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्ते उत्तराखंड, पहला उत्तराखंड एंड गुड मॉर्निंग उत्तराखंड। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से। तो चलिए आज ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है ना वो चाचा के घर से हो रही है, क्योंकि यहाँ से ना व्यू पॉइंट मॉर्निंग का इतना प्यारा लगता है ना वो आप खुद देख सकते हैं। और ये गांव है मेरा खलपट्टा और ये मेरा घर है, और जो सामने बगल में एक गांव दिखाई दे रहा है ये है खलजूनी गांव। और अपने बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का जो अंतिम गाँव कहा जा सकता है वो है झूनी गाँव, जहाँ इस टाइम पर पड़ी है बर्फ। और यहाँ से ऊपर एक और गाँव पड़ता है मिखीला। तो गाइज अब नई ऋतु की नई हरियाली देख सकते हैं, पहाड़ों में बिल्कुल हरियाली आने लग गई है। अब पहाड़ करने लगे हैं श्रृंगार, देख सकते हैं। अब कुछ टाइम बाद ना पूरे पहाड़ बिल्कुल हरे भरे दिखाई देंगे, तो क्या ही मजे आएंगे। मेरे पहाड़ इतने प्यारे लगेंगे, है ना, वैसे हैं तो प्यारे। और ये है ध्वजा जो पहाड़ी घरों की रौनक बढ़ाती है, छतों से ऐसे लहराते हुए निशान जिसे बोलते हैं यहाँ लोकल में ध्वजा को। और पहाड़ों में देख सकते हैं बर्फबारी ऊपर, लगभग 2-3 दिन से तो प्रॉपर बारिश ही चल रही है। और आज जैसे मौसम ख़राब है, आज भी मुझे लगता है बारिश जल्दी ही शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं आज कुछ इस टाइप का मौसम हो रहा है। ये रहा मेरा गाँव खलपट्टा, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। आंगनबाड़ी में बोल रहा हूँ। नाम क्या है? युवराज खलबटिया। कहाँ पढ़ते हो? आंगनबाड़ी में। स्कूल का नाम क्या है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय खलबट्टा, मेरा स्कूल है। बाय। स्कूल जा रहे हो ना? हाँ। ठीक है, मिलते हैं। तो चले चलते हैं पहले गांव में। और आपको बताऊं ना तो आज मैं बिना ब्रेकफास्ट के ही ब्लॉगिंग कर रहा हूं मैं, वो इसलिए ना क्योंकि गांव में एक जगह बैटरी इन्वर्टर है तो वहां से मैं फ़ोन चार्ज भी कर लूँगा, क्योंकि ना 1-2 दिन से लाइट नहीं है तो बड़ा दिक्कत हो रहा है यार, एडजस्ट करना हो रहा है। और मौसम भी ख़राब है, अगर मैं ब्रेकफास्ट करता ना तो वहां भीड़ लग जाती भैया चार्ज वालों की। तो मॉर्निंग मॉर्निंग में इतनी ठंड हो रही ना, सूर्य भगवान ने आवाज़ सुन ली, प्रभु जल्दी प्रकट हो जाओ जल्दी। तो महाराज ने सुन ली है और सूर्यदेव अब प्रकट होने लग गए हैं, मैं आ रहा हूँ। चले गुड मॉर्निंग। जब भी मैं धार में जाता हूँ अपने घर से तो लाटा बुबू मिल जाते हैं, गुड मॉर्निंग। ये सुनते भी नहीं है और बोलते भी नहीं है। चलो बहुत बार इनको मैंने कवर कर दिया आजकल डेली ब्लॉग में, आज इतना ही लेते हैं इनको। बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। क्या बात है, टैलेंट है। ये देख सकते हैं, उनको पता है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये देख सकते और कर रहे हैं वो, और एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो, देख सकते हैं ये देख सकते। अभी पहुंचा हूं मैं ताऊजी के घर पे, और ताऊजी इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, ये डोका बना रहे हैं। ताऊजी नमस्कार। नमस्कार। ये देख सकते हैं, हेलो। नाती है। नाती है। तुलवा कितने हो रहे एज इस टाइम पे आपकी? 80 साल हो गए ना। ये पहाड़ी तंबाकू हुआ ना? ये पहाड़ी तंबाकू हुआ, इससे कोई नुकसान तो नहीं होता ना? नुकसान नहीं होता? नहीं, अच्छा तो होता है। तो आज फर्स्ट टाइम ही ना ये पहाड़ी तंबाकू ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरे से नहीं हो पाता। तो ये चाची लोगों का मकान बन रहा है और यहाँ से पत्थर ढुलान चल रहा है, अभी देख सकते हैं। ये है हमारी नंजा, हेलो चाची जी। और ये मौसी जी, ये भाभी जी, ये दीदी, और ये है चाची जी। ये देख सकते हैं पहाड़ों में जब मकान बनता है ना सब पत्थरों से ही बनते हैं, पत्थरों के मकान। ये सामने देख सकते हैं ये सारे पत्थरों के ही मकान बनते हैं। ये मदद हुई या दिहाड़ी में लगते हैं? दिहाड़ी का हुआ ना? हाँ। कितना होता दिन का वैसे? 200 रुपए ना। तो अच्छा पूरा दिन लग के 200 मिलता है ना। ये ऐसे पत्थर फेंकते नीचे, ये देख सकते हैं, आराम से आराम से आराम से, वही वही आराम से, ये ऐसे फेंकते हैं ये। तो बुबू जी हैं बैसम गांव के और काम के लिए खलपट्टा चले चले। बुबू कितने मकानों का अनुभव है आपको? 20-30 वाला है। तो बुबू को ना 30 मकानों का अनुभव है। ये
सबास वेरी गुड। तो बुबू पहले तो पत्थरों को काटना होता होगा ना? हाँ हाँ, पहले पत्थर काटना पड़ता है ये। अच्छा, फिर उसके बाद दीवार में तर चढ़ाना हुआ। अच्छा, चिनाई से पहले पत्थर काटना होता है? हाँ हाँ। अच्छा, जैसे कि अभी आप काट रहे ना, ये देख सकते हैं। अच्छा, कैसे काटे जरा बताओ। अरे ये कट रहा भैया, ये देख सकते हैं, ये ऐसे कट रहे, फिर बाद में फिर चिनाई होगी। जी सर, क्या कर रहे हैं चाचा भाई? अरे हम बना रहे हैं चारपाई, बना चारपाई के लिए है। चारपाई का ये लकड़ी तैयार कर रहे हैं? लकड़ी तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल देख सकते हैं। और ये क्या बोलते हैं इसको लोकल में, यहाँ क्या बोलते हैं इसको? रंदा बोलते हैं। रंदा बोलते हैं, बिल्कुल। ये है हमारे दरबान सिंह अंकल। हेलो अंकल जी, ये देख सकते हैं, ये कहते हैं कि मसल बनाने के लिए सबसे बेस्ट है ये। अरे मसल नहीं, कमजोर हो रहे इससे तो और जो कमजोर हो रहे हैं वाले, ये देख सकते हैं। तो फाइनली अभी इस वक्त पहुंचा हूं मैं मामू जी के घर पे, और सीनू को देख सकते हैं नगाड़ा बजा रहा है। हेलो सीनू, ये देख सकते हैं, ओहो ये देख सकते हैं, ओहो। तो मामू जी का पोता? हाँ, मामू जी के पोते हैं ये। अब ये नवरात्रि की तैयारी हो रही है। अच्छा, ये चैत्र महीना आ चुका है, बसंत ऋतु चल रही है, दुनिया भर के फूल खिले हुए हैं। तो आठ गत्ते को थापना हमसे व्रत भी स्टार्ट होते हैं, और हम लोग नौ दिन तक उस माँ की सेवा तपस्या करते हैं। अच्छा, उसके बाद सारे देवी देवताओं को, जैसा हमारे यहाँ ये लड़कियों को एक भिटोली के रूप में हम कोई भी वस्त्र देते हैं, वही आठ गत्ते से जो है देवी देवताओं का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। तो आप इस नगाड़े में कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? बिल्कुल, बाजा लूज हो रहा है मौसम के वजह से। अच्छा, अब इसमें जब तक दबाव नहीं आएंगे आनंद नहीं आता है। अच्छा, तो इसको सिंगल नहीं बजाया जाता है, तो ये शीलन भी हो जाता है ना? हाँ, शीलन हो जाता है। अच्छा हाँ, तो इसके भी मेंटेनेंस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसका मेंटेनेंस कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ चार दिन पहले से इसका मेंटेनेंस तैयार करेंगे। अच्छा, तो आठ गते के बाद जो है शाम सवेरे सब भजन इसी में होगा? इसी में होगा। चलिए गाइस, आज आपको दिखाते हैं सिसोण जो होता है वो कैसे निकालते हैं। ये देख सकते हैं, ऐसे निकालते हैं। अच्छा, इसको पकड़ने से क्या होता है, छूने से क्या होता है, इसको लगता है, झटका लगता है, झटका लगता है, 440 वोल्ट का करंट जैसा, करंट जैसा लगता है ना। ये है बिच्छू घास। हाँ, इसको छूने से लगता है भैया करंट बहुत तगड़ा। ये अच्छा है। अच्छा, खाने वाला है? खाने में अच्छा लगता है। अच्छा, खाने में अच्छा लगता है, तो इसको ऐसे निकाला जाता है, देख सकते हैं। ताई जी के घर पे बन रहा है शिशुन की सब्जी, जो अक्सर आजकल लोग डेली कमेंट कर रहे हैं कि अर्जुन भाई आप ताई जी को नहीं दिखा रहे हो, कहाँ चले गए? तो आपके सामने है ताई जी। नमस्ते हो ठुलजा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहुत सारे लोग आपको याद कर रहे हैं कि ताई जी कहाँ चले गए आजकल। यार झूठ बोल रहा है तू। सही में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार आजकल ताई जी कहाँ गए, इतने बूढ़े आदमी को कौन याद करेगा। सब याद करते हैं आपको, सब याद करते हैं। तो आज क्या बन रहा खाने में? आज मैंने शिशुन का सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, जिसको हमारा भाषा में शिशुन कौन कौन। अच्छा, तो ये कैसे बनता है ये सब्जी? ये कैसे, इसको देख के लाया खेतों से। हाँ, फिर वो उबालता हुआ पानी में डाला। अच्छा, फिर इसको उलट पलट करते रहा। अच्छा, फिर सिल बटाओ, ये इसको सफाई की, धो धा के। अच्छा, फिर उसके बाद सिल बटाव इसको पिसाई की इसकी। अच्छा, बारीक बारीक से। तो थोड़ा सा इतना आटा डाला तो अब बन गया ये शिशुन की सब्जी। शिशुन की सब्जी। अच्छा, इसके साथ है मिर्ची। वाह क्या साबुत लाल मिर्ची। ये साबुत लाल मिर्ची। फिर इसमें है, चाकू दे दो तो मेरे को, जिसको बोलते हैं दूना। अच्छा, इसमें तड़का लगाने के लिए ये दूना। अच्छा, भी है। वाह, और इसमें लहसुन भी है। क्या बात है। और जिससे इसका स्वाद चार गुना बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, क्या बात। कैसे बनता है देख सकते हैं। ओहो बाप रे, ओहो ये ऐसे बनता है ये शिशुन की सब्जी। आज इसको हिलाना पड़ा, जरा नमक भी ले आओ तो इसमें। नमक भी तो, और तो सारा कुछ हो गया इसमें। तड़का मड़का तो डाल ही दिया। अच्छा, अब नमक। अच्छा, अब नमक नमक जाएगा। अब नमक जाएगा, ये देख सकते हैं, ये नमक गया। ये नमक भी समाप्त होने वाला है। नहीं, नमक तो बतेरे है, अभी डाला ही नहीं मैंने। स्टोर में होगा ना वो? स्टोर में अलग है, नमक की कमी है क्या? सही बात। ये है गाढ़ा गाढ़ा, इतना टेस्टीला तुम्हारा मुर्गा और मटन सब फील है इसमें। सही बात। हाँ,
तो आप एक बार अगर पहाड़ों में आना चाहेंगे जो लोग बाहर से है ना, तो जब भी गाँव आओगे तो एक बार जरूर खा के जाना शिशोण की सब्जी। हम लोग तो बोलते हैं शून शून। और मेरी लड़की ललचाएगी सब्जी देख के। तो दीदी लोग भी बाहर से देखते हैं ना, बाहर से देखते हैं। मेरी सुनीता और बिंदु वो ललचाएगी। सही बात, क्योंकि उसने खा रखा है ना, याद आएगी गांव की, याद आएगी गांव की कि मेरी मम्मी ऐसी शिशुण की सब्जी बनाती वैसे है। आप तो सब कुछ अच्छा बनाते हैं। हाँ। लेकिन स्पेशली ये चीज कुछ अच्छा ही बनाते हैं आप। एक चीज और कुछ अच्छा ही, ये शिशुण सबकी बस की बात नहीं होती अच्छा बनाना। और क्या, ये जो पुराने लोग होते हैं ना, जैसे आप लोग हैं, आपको अनुभव भी है कि कैसे बनाते हैं करके ना। नए जमाने के लोग कम ही बना पाते हैं ये चीज। ये चीज उनको क्या पता, ये खेत में उगने वाली सब्जी होती है। हाँ, उनको क्या पता। तो शिशुण बनने के बाद भैया अब बात आती चखने की, और नमक मिर्च क्या क्या है वो ताईजी खुद बताएंगे। चलो खुद बताएंगे। अब ये शिशुण की सब्जी बन गई। बन गई। अब मेरे बच्चे तो लड़की भी लड़का भी लालच में आ जाएंगे। अच्छा, अब उन्हें चखना जरूरी है। है, सही बात है ना। हाँ हाँ, सब लोग चम्मच से खाते हैं, लेते हैं। हाँ हाँ, मैं तो हाथ से चखती हूँ, उंगलियों से देखते कैसे। हाँ, वाह वाह क्या बात है। तो आज ना अपने गांव में हर जगह सूंड की सब्जी बन रही है, शिशुण की सब्जी। तो इस टाइम पे इजा भी शिशुण की ही सब्जी बना रही है। तो पहाड़ के सोई में लेके आपको लेके आया हूँ। तो इजा बताना चाहेंगे, इजा किस चीज की सब्जी बन रही है आज? ये है सूंड की सब्जी। अच्छा, सूंड की सब्जी। अभी सबसे पहले हो रही पिसाई। ये टाइम की भाग हुई, अरी भाग ये पहाड़ी में बोड़ा और सूंड है। अच्छा, तो ते शिलमा पीस भी बोलो मेरे भाई ने। ये शिलमा पीस तो किशमा बोल तो इधर डमान बोल मोर डडोन बोल पता खाना ही। अच्छा, तो फाइनली आज अपने घर में भी बन रहा है शिशुण की सब्जी। शिशुण की सब्जी। और ये है माता जी। तो चले भैया, आज खाने में कुछ स्पेशल आपको बताना चाहूँ तो ये पूरा ट्रेडिशनल खाना है। और आज खाने में बताना चाहूँ तो युवराज नंजा विद नंजा तो सबका साथ में चल रहा है। और आज मैं खाना अपने घर पे नहीं, नंजा लोगों के घर पे खा रहा हूँ। तो अभी जस्ट खाना होने के बाद भैया मैं जा रहा हूँ ब्लॉग अपलोड के लिए, क्योंकि ना ब्लॉग अपलोड का मेरा जो टाइम रहता आजकल ना 2 से 3 घंटा प्रॉपर वहां पे मुझे बैठना होता है, क्योंकि वहां पे नेट आजकल स्लो चल रहा है। तो मुझे जाना है ब्लॉग अपलोड के लिए, क्योंकि 2 बज गया भैया और 5 बजे मुझे जैसे भी ना ब्लॉग अपलोड करना होता है, पब्लिश करना होता है। तो अभी मैं आपको एक कमेंट बता रहा हूँ, कमेंट आया था सोनल चौहान जी का। ये कहते हैं, वाओ सुपर ब्लॉग, नाइस, मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच सोनल चौहान जी। और साथ ही थैंक यू सो मच वंदना ओझा जी एंड लक्ष्मी ब्लॉग्स दीदी का, ये डेली ब्लॉग करते हैं। और इनके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, Q&A वाले ब्लॉग में ही सबका जिक्र होगा। और माफ कीजिएगा यार, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि यार हमारा रिप्लाई नहीं करते यार। तो बहुत सारे कमेंट भी होते हैं ना, तो रिप्लाई करना आप समझ सकते हैं। आप सबका जिक्र होगा Q&A ब्लॉग में, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं भैया सबके। माफ कीजिएगा जिसका नाम नहीं आया और जिसका नाम भूल गया, क्योंकि यार मैं जल्दी जा रहा हूं यार, क्योंकि बारिश भी चल रही है और ब्लॉग अपलोड भी करना है। तो बड़ी दिक्कत है इस टाइम पर, माफ करना मुझे माफ करना। अगर आप डेली के कमेंट करने वाला किसी का नाम बोल रहा हूं तो माफ करना, मैं अगली बार ना जरूर आपका जिक्र करूंगा ब्लॉग में। तो मैं निकलता हूं कॉलोनी के कुटियाधार में, यहां से लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता है मुझे जाने के लिए, फिर वहां से मुझे 3 घंटा और ब्लॉग अपलोड में लग जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में, इसीलिए जल्दी भी बोलता हूं और अच्छे से ब्लॉग इसीलिए शूट भी नहीं कर पाता हूं, ये सीन है। तो अभी देख सकते हैं कितनी तेज बारिश चल रही है भैया। ओ, और मैं ना आश्रम के इस छत के आड़ लिए भी यहाँ पे बैठा हूँ और बाहर बहुत तेज बारिश चल रही है। ऐसे में ब्लॉग अपलोड भी मुश्किल से कितना हो रहा है भैया, मुझे 2 घंटे तो हो गया फिर भी ब्लॉग अभी अपलोड नहीं हो रहा है। बहुत दिक्कतों का सामना करते मुझे डेली की ब्लॉगिंग करनी हो रही है यार। तो ऐसी कंडीशन में ब्लॉगिंग करनी होती है। और इस टाइम पर मैं अपने घर से 2 किलोमीटर दूर आया हूं और इतनी ऊंचाई पर एक टापू वाली जगह है जिसको यहां बोलते हैं धार कुटियाधार। यहां हल्का सा नेट चलता है जिसके लिए मुझे 3 घंटे यहां पर बैठने होते हैं तब मेरा ब्लॉग अपलोड होता है। तो इतनी दिक्कतें होती तब भी मैं डेली सोचता हूं यार कि ब्लॉगिंग करूं, नहीं तो मैं Q&A वाला ब्लॉग लाने वाला था बहुत जल्द। बट ऐसा लगभग 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लाइट भी आ जाएगी और नेटवर्क भी मुझे सुनने में आया कि ठीक हो जाएंगे। तो चले आज के लिए इतना रखते हैं ब्लॉग और कल मुलाकात करते हैं नए ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें अपने भाई अर्जुन खलपट्टा के यूट्यूब चैनल को। और डेली का मौसम आजकल खराब ही हो रहा है, तो चले नया ब्लॉग कुछ स्पेशल और धमाकेदार लाता हूं मैं, ठीक है? और मेरा इंतजार करो आप कल 5 बजे। तो चले कल भी इंतजार करना मेरा। हां, मैं आऊंगा कल 5 बजे जरूर एक अच्छा ब्लॉग लेके। चले कल मुलाकात करते हैं और जरूर हां कल भी देखना ब्लॉग। अर्जुन खलपट्टा।